लो सर, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो आप लोग बार बार हमसे एक ही सवाल करते हैं कि सर मैंने APS से विड्रॉ कर रहे थे लेकिन मेरे पास पेमेंट आया नहीं और कस्टमर के अकाउंट से कट गया है और वो कस्टमर आपसे बार बार वो पेमेंट मांग रहा है, तो इस हालत में आप तो उसे पेमेंट दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो पेमेंट है ही नहीं जो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए सर आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको जाना है यहाँ माइक्रो ATM में चले जाना है और माइक्रो ATM पे चले जाना है, यहाँ पे माइक्रो ATM पे आ जाना है। माइक्रो ATM आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ऑल, यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल गया, यहाँ पे देखिए व्यू ऑल है, व्यू ऑल पे चले जाना है। व्यू ऑल पे जाने के बाद आप ये कस्टमर का पूछ लीजिए कितने तारीख का आपने मेरे पास आया था जो आपका पेमेंट फंसा है, तो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैं 1 अप्रैल कर लिया, 1 अप्रैल को देख लीजिए मैंने इस कस्टमर का इतना बैलेंस इंक्वायरी किया है, नहीं नहीं विड्रॉ किया 1010 रुपया, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन रिफंड बता रहा है ना, रिफंड बता रहा है, यहाँ पे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड बता रहा है ना, रिफंड, रिफंड के नीचे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, सक्सेस है उसके भी नीचे प्रिंट है, लेकिन जो बैलेंस इंक्वायरी किए हैं उसके नीचे प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, जो रिफंड है उस पर क्लिक कर देना है हमें, यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट डाउनलोड हो रहा है, देख लीजिए प्रिंट ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर का मोबाइल नंबर दिया गया है और कस्टमर का मोबाइल नंबर हो गया, कस्टमर का अकाउंट ये ब्लॉक बताया था हमें, किस रीजन से पेमेंट मतलब जब विड्रॉ कर रहे थे किस क्या रीजन बताया था वो भी यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। जैसे कि किसी कस्टमर का इशू हो गया तो इशू लिख देगा, जो मतलब प्रॉब्लम हुआ वो लिख देगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड का, रिफंड बता रहा है कितना अमाउंट था वो बता रहा है, APS से विड्रॉ किए वो ट्रांजेक्शन ID और कितने बज के कितने मिनट पे किए थे वो, कौन सा बैंक था वो, आधार नंबर, पूरा डिटेल दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसी दूसरे कस्टमर का, ठीक है, यानी कि ये जैसे कि मान लेता हूँ ये सब तो बैलेंस इंक्वायरी किया हूँ और ये एक दिखा देता हूँ, ये इसमें क्या रीजन बता रहा है वो रीजन दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे विड्रॉ किया था, तो ये रीजन हमें बताया, माने कि जो रीजन बताएगा वो रीजन यहाँ पे आपको दिखा देगा, कितना विड्रॉ किए वो दिखा देगा, रिफंडेबल बता रहा है वो दिखा देगा, कितना पेमेंट कर रहे थे वो दिखा देगा, कितना ट्रांजेक्शन ID और यहाँ पे आधार नंबर दिखा देगा और यहाँ पे कौन सा बैंक का है वो दिखा देगा, ठीक है। और देखिए एक आध कस्टमर और दिखा दे रहा हूँ आपको, मतलब बार बार ये प्रॉब्लम ना हो कस्टमर के साथ, और क्योंकि अपना भी टेंशन बढ़ जाता है ना, कोई कस्टमर आए और जाके कहीं कहीं कुछ बोल देता है मेरा पेमेंट निकाल लिया, या कोई कहीं अगर दूसरी जगह गया निकालने तो बता देता है आपका वो पेमेंट निकाल लिया है। तो इस स्थिति में आप अगर आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आता है तो उसे आप पेमेंट मतलब पेमेंट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि मेरा पेमेंट तो मेरे पास आया नहीं कि मैं उसे पेमेंट दे सकूं, तो इसलिए आप उसे प्रिंट देके और उसे समझा, देख सकते हैं सारे में प्रिंट का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। सभी रिफंड के नीचे रिफंड के नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, जो बैलेंस इंक्वायरी किया उसके नीचे नहीं है। तो सर आपका जिस कस्टमर अगर बोल रहा है पेमेंट मेरा आपने निकाल लिया, उसे ये रिफंड बैलेंस इंक्वायरी मतलब प्रिंट निकाल के उसे दे दीजिए और बोलिए कि देखिए आपका रिफंडेबल है, 10 से 12 दिन में आपके अकाउंट में ये बैलेंस चला आएगा, तो वो कस्टमर समझ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो 24 घंटा आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टमर को इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है, ओके।